मैंने फाइनली अपने तीनों बेबीज अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआगो हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक बार फिर अपने रिंगनेक पैरट बेबीज की जो मेरे पास अभी इस सीज़न में 2017 के जनवरी के एंड के अंदर जो मेरे रिंगनेक पैर के चिक्स निकले हैं, मैंने आप सभी दोस्तों के साथ वादा किया था कि मैं उनकी हर 3 से 4 दिन बाद की प्रोग्रेस आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और मुझे वक्त नहीं मिल सका, इसलिए मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सका। लेकिन आज मैं आप सभी दोस्तों को दिखाऊंगा कि आज अभी यानी कि 13 डेज के हो जाने के बाद वो चिक्स किस तरीके के दिख रहे हैं, ठीक है, और अभी उनकी क्या प्रोग्रेस है। और साथ ही मैं आप सभी दोस्तों को बतलाऊंगा कि आपने क्या फूड देना है अपने पैरट के पैर को जिसके चिक्स निकल आए हैं। बहुत से दोस्त ये मुझसे सवाल करते हैं कि आया हमारे रिंगनेक पैर के अब बेबीज निकलने वाले हैं और निकल चुके हैं, तो अब हम उन्हें क्या फीड दें। तो दोस्तों आप जो उनको रेगुलर फीड दे रहे हैं वही मुसलसल आपने देना है, और किस लिहाज से देना है इन सभी बातों का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को पूरा ताकि आप जान सकें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर आप सभी दोस्तों के लिए रिंगनेक पैराकीट के हवाले से जुड़ी हर बात को वाजे करना चाहता हूं, ताकि आप इस शौक में अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकें। चलाएं दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको दिखाता हूं, देखें ये मेरा जो रिंगनेक पैरट का मेल है, ठीक है, ये अभी अपने बच्चों को फीड करा रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये अपने बेबीज़ को फीड कराने के लिए कितना उतावला है, ठीक है। जैसे ही मैं केज खोलता हूँ दोस्तों ये मेरे साथ सामने आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसको पहले थोड़ी बहुत लालच दे दूँ, ठीक है, मिट्टू आप देख सकते हो, ठीक है, मेरा केज ओपन है और ये सिर्फ और सिर्फ सीड्स की लालच में आया है, ठीक है मिट्टू। वैसे तो इसकी एक आप देख सकते हो एक नेल इसका गायब हो चुका है, क्योंकि अभी लास्ट टाइम फाइट में इसका एक नेल गायब हो गया है, ठीक है। तो अभी इसने उससे पहले एक फीमेल के साथ मेटिंग कर चुका था, तो अभी इसने उसके चिक्स तो निकल आए हैं, लेकिन जो इसकी अदर मेल है सेकंड फीमेल, दोस्तों आप देख सकते हो वो हांडी के अंदर गई है, वो अभी कह रहा है, यानी कि अभी इसने अंडे नहीं दिए। हालांकि मैंने कई बार देखा है कि इसने प्रॉपर मैटिंग की है एक मेल के साथ, लेकिन फिर भी इसने एक ले नहीं किए। तो चले आए दोस्तों अब अंदर दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो मिट्टू अंदर जाओ अंदर, अरे भाई अंदर चले जा। चलाएं दोस्तों मैं अपने केज के अंदर दाखिल हो चुका हूँ, ठीक है। ये रही हमारी फीमेल, ठीक है, जिसके बेबीज निकले हुए हैं, और ये रहे हमारे मियां मिट्टू, ठीक है, इनके बच्चे निकले हुए हैं। ये भी बहुत गुस्से में है, ठीक है, आप देख सकते हो मैं जिस जगह बैठा हूँ ये मेरे साथ ही, क्योंकि ये भी इस वक्त गुस्से में है। आप देख सकते हो मेरे इस जिनका बाउल है उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ, तो ये इस वक्त बिल्कुल भूखा है, ठीक है, अपने बच्चों को फीड कराने के लिए। तो इस वजह से ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो मैं इसको थोड़े बहुत सनफ्लावर सीड्स दे देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा शांत हो जाए। आगे हम मिट्टू मिट्टू बैठे मिट्टू आओ ऊपर आओ, अभी थोड़ा इसी में लगा रहेगा, ठीक है, जब तक हम अपने बेबीज देख लेते हैं, ठीक है।
टू। क्या भाई सारे बीज आज ही खा लोगे क्या? दोस्तों आप देख सकते हो ये कितना भूखा है, ठीक है, क्योंकि ये अपने बच्चों को फीड करा रहा है, तो इस बाइस इसकी भूख भी ज़्यादा हो गई है पहले से। आप देख सकते हो मैं हर हफ्ते का दाना डालता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी इनके बच्चे निकले हुए, तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें सिवाय कचरे के और कुछ भी नहीं है बाकी। आप देख रहे हो ना इसमें कचरे के अलावा और कुछ भी बाकी नहीं, तो इस वजह से ये बहुत भूखा है। चलें दोस्तों जब तक ये बीज खत्म कर रहा है, ठीक है, तब तक मैं आपको इसके चिक्स दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद आज तकरीबन 12 दिन बाद अंदर घुसा हूँ केस में, तो हम देखते हैं। माशाल्लाह अभी कितने बड़े हो चुके हैं बेबी, दोस्तों आपको नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह 3 बेबीज हैं, ठीक है, और ये लगभग इनमें एक 13 डेज का है, और जबकि इसके अंदर जो उसी छोटा बेबी है वो तकरीबन 12 डेज का है, और थर्ड वन वो है 14 डेज का। तो चलिए दोस्तों मैं आपको निकाल कर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये कैसे दिख रहे हैं। लेकिन आप सभी दोस्तों को मैं बताऊं कि आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपने बेबीज नहीं निकालना है, क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे पेयर हैं, ठीक है, तो मैं इनके अंदर रेगुलर भी केज के अंदर दाखिल हूँ, तो इनको कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई शिकायत नहीं है मुझसे, और मैं अगर इनके बेबीज अभी निकाल कर इनके सामने भी रखूँगा तो दोस्तों ये उसके बाद भी उन्हें फीड कराएंगे, ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपने अपने बेबीज को नहीं छेड़ना है ताकि आपके पेयर मुसलसल उनको फीड करा सकें। अगर आप उनको तंग करेंगे तो दोस्तों वो अपने बच्चों को फीड कराना छोड़ देंगे और इससे आपके बच्चे ज़ाया हो सकते हैं, ठीक है। चलाए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ निकाल कर। दोस्तों देख रहे हैं ना कि ये मेरा पैरेट, देखें अभी चौकन्ना हो जाएगा, ठीक है, तो मैं बिल्कुल आराम से निकालता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे मेल को कोई, दोस्तों मेरा हाथ थोड़ा सा मुश्किल हो गया अंदर तक जाना, लेकिन मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक बेबी तो निकाल लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो माशाल्लाह कितना अच्छा बेबी है, ठीक है, और आप इसके लेग्स देखें कितने छोटे हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रखता हूँ, ठीक है, ऊपर, और मैं दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपका बेबी ज़ाया हो सकता है, ठीक है, मैं थोड़ा एहतियात से निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने आप सभी दोस्तों के लिए अपने तीनों बेबीज निकाल लिए हैं, ठीक है, हांडी से, और मैं अभी आपको उनकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ, ठीक है। दोस्तों जो आप ये देख रहे हो माशाल्लाह ये मेरा सबसे बड़ा बेबी है, ठीक है, इसकी एज तकरीबन 13 डेज है, ठीक है, आप देख सकते हो माशाल्लाह से कैसा दिखेगा, ठीक है, 13 डेज का बेबी, ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी फीड करा रहा है मेरा पैर, ठीक है, आप देख सकते हो, इसको देखें और मेरे बेबी को देखें, आपका क्या ऐसा पैर आपका इतना शांत होगा, ठीक है, ये मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, इस वजह से ही मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके बात वाला डे का बच्चा, आप ये बेबी चेक करो, ठीक है, ये हालांकि सबसे बड़ा है, ये उससे भी बड़ा है, ठीक है, आप इसके विंग से पहचान कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी आज की फीड थोड़ी बेहतर नहीं हुई है, क्योंकि मैं आज 2 डेज़ बाद आया हूँ ऊपर, और मैंने अभी पानी चेंज करना है, और आप देख सकते हो कि दाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा ख्याल करूँगा, और आप इसके अभी से लेग देखें, ठीक है, आपको थोड़े
ब्लू ब्लू से दिख रहे होंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आगे जब बढ़ेगा तो ये शायद मेल बने, ठीक है। मैं इसको भी रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं अपने थर्ड वन को उठाता हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये पूरा 13 डेज का बेबी है, ठीक है। आप देखें सही, और ख्याल कीजिएगा अगर आप इतना बड़ा बेबी भी परचेज करें या अगर आपके पास हो तो उसको हाथ के अंदर रखें या किसी ऐसे कपड़े के ऊपर रखें, ठीक है, जिससे इसके नाखून को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। मिट्टू चले, मैं इसको भी रख देता हूँ, ठीक है, फिर हम मज़ीद बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने फाइनली अपने तीनों बेबीज अंदर डाल दिए हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो, ठीक है, और मेरे बेबीज बिल्कुल खामोश है, जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। और कुछ दिन बाद इंशाल्लाह मेरे सामने वाली हांडी के अंदर भी बेबीज निकल आएंगे, ठीक है, और मेरी ये वाली फीमेल की भी चिक्स निकल आएंगे तकरीबन 20 डेज बाद, ठीक है। आप देख सकते हो मेरी हांडी से मादी निकल आई है, ठीक है, ये अभी अंडे हैच कर रही है। और आप देख सकते हो मेरा जो थर्ड पेयर है जो इस साल की फर्स्ट ब्रीड दे रहा है, ठीक है, और बिल्कुल अभी ये यंग फ्रेश पेयर है। आप इसका मेल देखें, ठीक है, सामने, और फीमेल अभी हांडी के अंदर बैठी हुई है, अपने अंडे हैच कर रही है, ठीक है। तो मैं उन दो पेयर्स को अभी नहीं छेड़ूंगा, अभी मैं आज सिर्फ और सिर्फ आप सभी दोस्तों को अपने याले पेयर की प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही में मेरी जो यहाँ पर एक और सेकंड फीमेल है, लेकिन दोस्तों उसने अभी अपना एगले नहीं करें, वो इस वजह से क्योंकि मेरे मेल मैंने अभी नई जाली लगाई है, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसके जो पीछे जो जाली है दोस्तों वो बिल्कुल गल चुकी है, ये वाली। तो दोस्तों मैंने नई जाली लगाई थी इसके ऊपर ग्रीन नेट, तो ये इसके अंदर और उसके अंदर इसकी ब्लैक फंस रहे हैं, जो कि मैं अभी कुछ दिन बाद सीज़न निकल जाने के बाद इसका भी हल तलाश करूँगा। और आप देखो कि मेरे इस मेल की एक नेल्स जो है वो पूरा ज़ाया हो चुका है, तो इस बाइस वो फीमेल के ऊपर पकड़ हासिल नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैटिंग तो कर रहा है, लेकिन मैटिंग का जो एंड प्रोसेस होता है हमल पहुंचाने का, वो प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो पा रहा है, जिसके बाइस मेरी फीमेल ने अंडे ले नहीं किए, ठीक है। मतलब ये रे भाई तुम्हारे बीज, ये बीज खाओ पहले, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये कितना भूखा हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपकी इसकी फीमेल दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं भाई, फीमेल अंदर बैठी हुई है, मैं हम अपना अच्छा याद रखें, आप जब भी केज के अंदर दाखिल हो, जो चीज़ जैसे रखी हुई थी या जो चीज़ जिस हालत में थी आपने उसी हालत में उसको रखना है, ठीक है। मैंने इसको इसकी सीड्स दे दी हैं इसको लालच बतौर, ठीक है, ताकि ये अच्छे तरीके से इसको खा ले और फिर फीड बतौर अपने चिक्स को दे। दोस्तों आप देख रहे हो कि मेरी माशाल्लाह फीमेल बहुत अच्छे से अंडे हैच कर रही है, इसके सीने से मालूम हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी दोस्तों ने देखा कि आया मेरे माशाल्लाह से रिंगनेक पैरट के बेबीज बहुत अच्छे से हेल्दी भी हैं और फिट और एक्टिव भी हैं, वो इसलिए क्योंकि जो मेरा रिंगनेक पैरट का जो पेयर है माशाल्लाह से बहुत अच्छा फीड करा रहा है, जबकि मैंने इनका कोई दाना चेंज नहीं करा, जो मैं रेगुलर फूड देता हूँ इनको वही मैंने कंटिन्यू रखा है, ठीक है। बस मैंने सिर्फ और सिर्फ लाल चावल की मिकदार को कम कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि अभी विंटर का सीज़न है, क्योंकि लाल चावल ठंडा होता है, ठीक है दोस्तों, तो वो आपके पैराकीट को ब्रीडिंग के सिलसिले में थोड़ा नुकसान दे सकता है,
तो आपने थोड़ी सी मिकदार उसकी कम कर लेनी है, लेकिन बाजरा आपने रेगुलर रखा रहने ना, और कंगनी की मिकदार आप 10% रखेंगे। और साथ ही में आपने जब भी आप अपने केक के पास जाएं या आप सुबह जैसे आते हैं ठीक है, तो आपने जब तकरीबन थोड़े बहुत सनफ्लावर सीड्स डाल देने, और फिर यही फिर आपने यही अमल तकरीबन असर के बाद यानी कि तकरीबन 4:30 बजे के बाद आपने यही अमल रखना है। दोबारा से आपने थोड़े बहुत सनफ्लावर सीड्स डाल देने, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आपका पेयर ब्रीडिंग के वक्त पर हो और जब उसके अंडे ले हो जाए, और थर्ड आपके जब बेबीज निकल आए ठीक है। क्योंकि अक्सर दोस्तों का यही सवाल रहा है कि आया हमारे पैरेट ने अंडे ले कर दिए, तो अब हमें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या फूड दें और हमें क्या तदबीर अख्तियार करनी चाहिए। तो दोस्तों आपने उन्हें फूड वही देना है जो आप रेगुलर देते हुए आ रहे हो, और सेकंड ये आपने वहाँ पर आमदोरफ्त यानी कि आपने चहलकदमी कम कर देनी है ठीक है, ताकि आपका पेयर अच्छे से अंडे हैच कर सके या आपका पेयर अच्छे से बच्चों को फीड करा सके ठीक है। आप देख सकते हो कि मेरे पास जो पीछे मेरे जो बराबर से बराबर वाले पेयर केजीज के अंदर भी माशाल्लाह से तकरीबन इस केज के अंदर 2 फीमेल हैं, दोनों फीमेल माशाल्लाह से अंडे दे चुकी हैं और अभी हैचिंग के ऊपर हैं ठीक है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं यहाँ पर आऊँ जाऊँ या मैं केज को थपथपाऊँ कुछ भी करूँ, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसलिए क्योंकि मेरे अच्छे ब्रीडर पेयर हैं। और आप थर्ड आप देख सकते हो कि मेरे जो सामने जो मेरे न्यू पेयर ने जो ब्रीडिंग की है दोस्तों, उसकी फीमेल अभी हांडी पे बैठी हुई है ठीक है, वो भी अंडे हैच कर रही है अच्छे से, जिसकी प्रोग्रेस मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि आया उसने कितने अंडे ले किए। और साथ ही मैं आप सभी दोस्तों को मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर बतलाऊँगा कि आप कितने एजिस के फटे अपने यानी कि हांडी के अंदर से या बॉक्स के अंदर से कलेक्ट कर सकते हैं, और उनकी क्या एज होनी चाहिए और आप उन्हें किस तरीके से फीड कराएंगे, ये सभी बातों पर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगेबान।